नमस्कार किसान भाई, आकाश प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये ट्रॉला लोडिंग पे हमें ये यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा था, फार्म ट्रक 45, और ये इसके ड्राइवर हैं, ओनर हैं, इन्हीं का ये ट्रैक्टर ये चला रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? नेम सिंह नाम है। अच्छा, नेम सिंह। कौन सा गाँव है? नगला सदा। नगला सदा। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये टूंडला के पास। अच्छा, टूंडला के पास फिरोजाबाद। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट लग जाती है। अच्छा, ये फार्म ट्रक 45 है। अरे ये बताइए, आप ईटे कहाँ से लेके ले आ रहे हो? ये ईंट लेके आ रहा हूँ मैं गोपी से। गोपी अलीगढ़ में? हाँ, अलीगढ़। अलीगढ़ से ये फिरोजाबाद जाते हैं, वहाँ पे फिरोजाबाद साइड और ये आगरा साइड में कम भट्टे हैं, इस वजह से, क्योंकि ताजमहल है ना, इस वजह से भट्टे वगैरह में है ही नहीं है वहाँ की। वहाँ पर प्रतिबंध है, कोई भट्टा नहीं लगा सकता है, या तो यहाँ से ही ईंटें ले जाते हैं वहाँ के लिए। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, आप इसे चला रहे हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं आई इसमें चलाने में? जैसे कोई परेशानी नहीं है, और गाड़ियों में से सबसे नंबर वन लोडिंग में चलता है। लोडिंग बढ़िया चलता है, बढ़िया है। संतुष्ट हो एक तरह से आप? बहुत सुपर। अच्छा, सुपर रोड के मामले में। अच्छा अच्छा तेल वेल का खर्चा थोड़ा बहुत मोटा बात आपने लगवाया हो? तेल बिल्कुल सही खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सही खा रहा है तेल। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर पड़ता होगा एक साइड से? एक साइड से पड़ता है करीब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, 100 किलोमीटर में तुम कितना तेल डलवाते हो? करीब हमारा 2600-2700 का डीजल खाया था। 2600-2700 का डीजल खाया था। हाँ, तो वो निकल के आ जाएगा। हाँ, मोटा ही अनुमान लगाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये ट्रॉला आपने कहाँ बनवाया था? ये मैंने इटावा बनवाया। इटावा डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, कितने लगभग कितने का खर्चा आ गया होगा इसका? भी बहुत बढ़िया टिकाऊ। अच्छा, टिकाऊ भी बढ़िया है इसका। अच्छा, तो इटा भी बनना है? इटा में भी बनते हैं लल्ला, वो बोल। हाँ, लल्ला के। हाँ। अच्छा, सही जगह बनना है, पर ये है कि इटावा जैसा, इटावा जैसा नहीं है वो सब। अच्छा, बढ़िया ट्रॉला बनता है इटावा में। अच्छा, सुपर काम करते हैं। सुपर ट्रैक्टर भी सही, आप संतुष्ट हो? अगर कोई लेना चाहे ट्रॉला लोडिंग पर चलाना चाहे तो ट्रैक्टर बढ़िया रहेगा, फार्म ट्रक 45। अच्छा, रोड पे बैलेंस इतना सुपर है। अच्छा, नंबर वन का मतलब इसके मुकाबले किसी ट्रैक्टर का और दूसरे का स्वराज है और भी। हाँ, स्वराज में आता है 44, वही इसको टक्कर दे सकता है, वही आता है टक्कर पे। मगर इसके मुकाबले बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंस नहीं इसका, जम के चलता है एक ट्रैक्टर रोड पे। रोड पे कितना भी बहाओ, कितना भी कुछ भी करो। हाँ जी, अच्छा, टॉप चलता है ये किसान है। ये ट्रोला लोडिंग के चलते हैं ट्रैक्टर, ये हमारे इधर से अलीगढ़ से और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रोला लेके जाते हैं, ईंटें लेके जाते हैं। अच्छा, ये बताइए इतने कितनी ईंटें होंगी लगभग? कितनी? 7.5-8। अच्छा, 7.5-8। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आप सेल करते हो या अपनी खुद की निजी लेके जाते हैं? 10,000 कर लेते हैं। अच्छा, 10,000 की लोडिंग कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी नहीं ले जा सकती है। अच्छा अच्छा, 10,000 ओवर ले जाना चाहें 10,000 तक ले जाते हो ओवर? आराम से 10-10.5। अच्छा अच्छा, और ला रही है गाड़ी? अच्छा, साइड में कुछ गाड़ी चल रही है, वो फार्म ट्रक ही चल रही है। फार्म ट्रक ही चल रही है? हाँ, नहीं उधर फार्म ट्रक की मार्केट ज़्यादा, मैं उधर हमने पढ़ाई की है। तो ये लोडिंग के हिसाब से होगी ना। अच्छा, और कोई गाड़ी सकती ही नहीं है इसमें। अच्छा, और कोई गाड़ी सकती नहीं ट्रोला पे, जितना ये बढ़िया काम हो सकता है और कोई गाड़ी नहीं कर पा रही है। ये काफ़ी तारीफ कर रहे हैं फार्म ट्रक 45 के किसान। लेके हर चीज़ का। हाँ, ब्रेक। अच्छा, इसमें ब्रेक की थोड़ी समस्या आती होगी, ब्रेक जल्दी? क्या नहीं है, अब तो बहुत सुधार है इसमें। अच्छा, ऑयल वाले ब्रेक आ रहे हैं तो सभी ट्रैक्टर में, पहले तो ड्रम वाले आते थे तो वो जल्दी घिस जाते थे। अच्छा, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ से। ये आगे बम्पर है ट्रैक्टर, ये फार्म ट्रक 3 सिलेंडर वाला क्लासिक स्मार्ट फार्म ट्रक F9। इसमें 13 के 14 के कंपनी जी हिच देगी। अच्छा, इधर आइए अंकल, इधर आना। अरे बताइए, आपने हिच कहाँ बनवाया था? ये हमने बनवाया था फतेहाबाद। फतेहाबाद, ये फतेहाबाद कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद पड़ता है आगरा से इटावा रोड। अच्छा, आता है इटावा रोड, ग्रीन एक्सप्रेस। अच्छा अच्छा, कितने का खर्चा आ गया होगा इसमें? 8,000। अरे बताइए कितने का खर्चा आ गया लगभग? इसका खर्चा है करीब जी मान लो 6,000 रुपये के लगभग। हाँ, इतना तो पड़ता होगा 6,000 रुपये का। ये देखिए आप, ड्यूटी है नया लेके आए थे। नया लेके आए थे, ट्रैक्टर लिया मैंने, नया ही लिया। अच्छा, मैंने आज तक कोई गाड़ी नहीं चलाई। अच्छा, फार्म ट्रक चलाया है आज तक के रोड में? कोई गाड़ी नहीं। जितनी गाड़ी मैंने बंदी उतनी फार्म ट्रक बंदी। फार्म ट्रक बंदी। अच्छा, इससे पहले कौन सा मॉडल चलाया आपने फार्म ट्रक में? इससे पहले कौन सा मॉडल चलाया फार्म ट्रक में? फार्म ट्रक ही चलाता था मैं। अच्छा, करीब 25-26 साल फार्म ट्रक ही चला। फार्म ट्रक ही चलाया? अच्छा, 25-26 साल का इनके पास अनुभव है फार्म ट्रक का। फार्म ट्रक गाड़ी चला रहा, जो चलाता है उसी को ज़्यादा जानकारी होती है। हम यही तो वीडियो बना रहे थे कि किसान लोग डिमांड करते हैं। हाँ, सब तरह के किसान, लेकिन आप फार्म 25-26 से 40 चला रहे हैं तो आपको पता होगा फार्म ट्रक के बारे में ज़्यादा।
ये देखिए तो देखिए इटावा में टोला बना है डबल धुरा का हैवी ड्यूटी नीचे साइड से धार देता हूँ आपको। ये देखिए कमानी वाला कमानी लगी हुई है इसमें टायर नए हैं इटावा में टोला है। आशा है कि वीडियो देखकर आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। अगर आपको किसी ट्रैक्टर की वीडियो बनवानी है और किसी ट्रैक्टर की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस ट्रैक्टर की वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने के आप सभी का दिल से धन्यवाद।